हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा, आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो बठन बसंत पाठ्य पुस्तिका से यहाँ पर गद्यखंड से हम आपका जो पाठ है चैप्टर नंबर 6 इसको पढ़ रहे हैं और इसका शीर्षक है पार नजर की। और इसके जो लेखक हैं जयंत जो है विष्णु निर्लिकर जी। ठीक है, तो यहाँ पर आज की ये जो चैप्टर है आपका, जो आपका गद्यखंड है, इसमें मंगल ग्रह पर जो है एक ये कहानी विधा में लिखा गया है। इसमें मंगल ग्रह पर एक छोटा सा लड़का होता है जो अपने पापा को पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। और मंगल ग्रह पर धरती के नीचे एक बस्ती बसी हुई है, वहां पर ये क्या करते हैं, अपने आप को वहां सुरक्षित रखते हैं। और यहीं से ये जो है कहानी आपकी शुरू होती है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया है ये आपका एक मंगल ग्रह का एक छोटा सा बालक है, लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वह एक सुरंग नुमा रास्ता, कहाँ पर, जहाँ पर ये छोटा सा लड़का है और ये मंगल ग्रह से ये बात हो रही है, मंगल ग्रह का ही ये एक छोटा सा लड़का है। तो वह एक सुरंग नुमा रास्ता था, आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। किस रास्ते से, जहां से ये रास्ता बना लिया और जा पहुंचा सुरंग में, फिर क्या हुआ। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये एक जो है एक सुरंग नुमा रास्ता था जहां से छोटू के पापा रोज जो है काम पर जाया करते थे। अब छोटू ने क्या किया, एक दिन उसने छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास, अब देखिए इस रास्ते पे जाने के लिए एक सिक्योरिटी पास की जरूरत होती है जो कि छोटू के पास पापा के पास होता है। अब वो क्या करता है, एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग। फिर क्या था, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि इस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज, पापा को काम पर जाना होता है। तो जैसे ही वो उस सुरंग नुमा रास्ते की तरफ पहुंचता है तो छोटू की माँ उसको बोलती है कि तुम्हें कितनी बार बताया गया कि उस रास्ते की तरफ तुम मत जाओ, लेकिन छोटू के मन में एक प्रकार से जिज्ञासा होती है कि पापा उस सुरंग नुमा रास्ते की तरफ क्यों जाते हैं। तो फिर उसकी मम्मी क्या बोलती है, पापा को काम पर जाना होता है। आगे क्या लिखा है यहाँ पर, रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। तो यहाँ पर देखिए हर रोज जो है माँ और छोटू, यानी कि छोटू की माँ और छोटू के बीच यही रोज की बात होती थी कि उस सुरंग नुमा रास्ते पर पापा क्यों जाते हैं। और उसके अंदर हमेशा ये रहता था कि मैं उस सुरंग नुमा रास्ते की तरफ मैं भी जाऊं, मैं वहां देखूं क्या वहां पर है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करती छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। और आम आदमी के लिए, यानी कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही उस रास्ते से जाने के लिए परमिशन थी। तो यहाँ पर जो है, जो आम लोग हैं, जैसे छोटू हो गया, छोटू की माँ हो गई और भी जो वहां पर उनके सोसाइटी में लोग थे, उनके लिए उस रास्ते पर जाने की मनाही थी। ठीक है ना, आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि मनाही थी, चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते, यानी कि कुछ स्पेशल लोग ही उस सुरंग नुमा रास्ता पर जा सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक। और आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि छोटू के जो पापा हैं, यानी कि वो भी उन चुनिंदा लोगों में से एक। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम कर रहे थे। तो आज छुट्टी का दिन है जिस दिन ये कहानी लिखी गई है। और छोटू के जो पापा हैं, जो हमेशा उस सुरंग नुमा रास्ते से काम पर जाया करते थे, छुट्टी के दिन, जैसे हमारा यहाँ पर संडे होता है, इसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी कोई छुट्टी का दिन होता होगा, तो वो भी आज यहाँ पर आराम फरमा रहे थे। तो नजर बचाकर, यानी कि चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। क्योंकि छोटू के मन में बहुत ज्यादा उसके अंदर जिज्ञासा थी कि मैं उस पार देखूं कि क्या है इस पार, जैसे कि चैप्टर का शीर्षक का नाम ही है पार नजर। ठीक है ना, तो उसके मन में जो है ये क्या था, एक क्या है उस दरवाजे के अंदर, उस सिक्योरिटी के अंदर है क्या, वो हमेशा ये सोचा करता था। तो उसने चुपके से क्या किया, अपने पापा का पास ले लिया और पापा चूंकि घर पर ही आराम फरमा रहे थे, वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी, यानी कि मंगल ग्रह पर जो वो छोटू है, क्योंकि मंगल ग्रह से ही ये कहानी स्टार्ट होती है, तो
वहां पर जो है मंगल ग्रह पर आप जानते हैं बहुत ही वहां पे गर्मी है, तो जमीन के नीचे उनकी बस्ती या कॉलोनी वहां पर बसी हुई थी। और यह जो सुरंग नुमा रास्ता था अंदर दिए जले थे, और उस सुरंग नुमा रास्ते के अंदर जो है क्या जले हुए थे, दिए जले हुए थे, और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था, और उसको उसमें उस रास्ते में प्रवेश करने से पहले एक बंद जो है दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, दरवाजे में क्या था, एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, सिक्योरिटी कार्ड जो उसने अपने पापा से चोरी छुपे निकाल लिया था, उसने वहां पर उस खांचे में कार्ड डाला। क्यों डाला, क्योंकि वो रोज अपने पापा को वहां देखा करता था कि मेरे पापा किस प्रकार से वहां से अंदर जा रहे हैं, तो उसने भी वैसा ही किया। उसने उस खांचे में उसने सिक्योरिटी कार्ड लिया था, उस सिक्योरिटी कार्ड को उसने उस खांचे में डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया, और इतने में तुरंत दरवाजा खुल गया। ठीक है, आगे देखिए, छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, और जब दरवाजा खुला तो छोटू ने सुरंग के अंदर प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ गया, उसने बाहर से डाला, और जब वो दरवाजा खुला वो अंदर गया, तो अंदर वाले कमरे में या जो भी आप कहें वहां पर, तो उसमें क्या पहुंच गया, वो पास जो है वहां अंदर पहुंच गया। उसे उसने तुरंत से उठा लिया, जो पास अंदर गिरा था जैसे ही उसने बाहर से खांचे में डाला होगा तो वो अंदर की तरफ चला गया, और उसने उसने उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ, और जितने जैसे ही उसने वो कार्ड उठाया, वो जो सिक्योरिटी पास वाला कार्ड था, उसमें दरवाजा है वो जो है बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, यानी कि उसने अपनी चारों तरफ देखा, ठीक है ना। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, वो जो रास्ता था वो कहीं उस सुरंग से ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। यानी कि क्योंकि वो जो उनकी कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे थी, अब उसको जो है ऊपर की तरफ, वहां से जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला तो कहीं ना कहीं उसको जमीन से ऊपर आने का रास्ता या मौका वहां से मिल गया। आगे क्या होता है, मगर कहां, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। अब आगे क्या हुआ, उसे मौका तो मिला था, लेकिन अब आगे छोटू के साथ क्या हुआ, सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं। उस सुरंग में जो है जगह जगह पर निरीक्षक यानी कि वहां की देख रेख करने के यंत्र लगाए गए, ठीक है ना, मैं संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली, यानी कि संदेह होने पर जो स्थिति दर्शाने पर वो जो है वाली हरकतें हुई, क्योंकि उन निरीक्षक यंत्रों में क्या हुई, कुछ संदेह हुआ। इतने छोटे कद का व्यक्ति, क्योंकि जो छोटू था वो बहुत छोटा था, तो उन यंत्रों में यहाँ पर क्या, क्योंकि जो उसके पापा थे या और भी वहां पर जो चुनिंदा लोग होंगे उनकी हाइट काफी बड़ी होगी, तो वहां पर कुछ इस प्रकार के यंत्र लगाए गए थे, तो उन यंत्रों में क्या संदेह हुआ, इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। इस प्रकार के जो है वहां पर क्या एक प्रकार से सूचना मिली कि इतने छोटे कद का व्यक्ति इस सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, तो इस प्रकार से वहां पर सुरंग के अंदर जैसे ही उसे प्रवेश किया, इस प्रकार से वहां पर यंत्र लगे हुए थे। एक ने क्या कहा कि इतने छोटे कद का व्यक्ति कैसे, ठीक है ना, तो दूसरे यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक यंत्र केंद्र में, एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो देखो जहां पर क्योंकि वहां पर कुछ यंत्र लगे हुए थे, उन यंत्रों ने छोटू की तस्वीर खींची, और जब उसको वेरीफाई किया गया होगा ना जहां पर उनका केंद्र है या सेंटर है, तो वहां पर छोटू की जैसी, क्योंकि जो भी वहां पर कुछ चुनिंदा लोग थे उनकी तस्वीर वहां पर होगी, तो उन तस्वीरों के अलावा वो दूसरी तस्वीर आ जाती है, तो वो जो है एक प्रकार से खतरे की सूचना दी गई, ठीक है ना। तो वो रेड सिग्नल देता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है, इसकी पहचान वो नहीं है जो यहाँ के जो चुनिंदा लोग थे उनमें से ये व्यक्ति नहीं है। सबसे पहले तो जो वहां पर जो निरीक्षक यंत्र थे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो है इतने छोटे कद का व्यक्ति, और जैसे ही उन्हें ये संदेह हुआ तो उन्होंने छोटू की तुरंत तस्वीर खींची, और एक नियंत्रक केंद्र में यानी कि जहां से वो नियंत्रण किया जा रहा है वहां पर फोटो भेजी, और फोटो भेजी तो जब वेरीफाई हुआ होगा कि ये वो चुनिंदा लोगों में से ये छोटू नहीं है, तो फिर जो है वहां पर खतरे की सूचना दी गई, ठीक है ना। जब वहां पर आप भी देखते होंगे रेड सिग्नल वहां पर आने लग गया होगा कहीं, ठीक है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू
अब इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन छोटू को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो यंत्रों के माध्यम से हो रहा है और छोटू को ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई नहीं है। तो इतना सारी गतिविधियों से अनजान वो, उसे कुछ भी नहीं पता था किसको, छोटू को। वो अभी भी इन गतिविधियों से क्या था, अनजान था। इन गतिविधियों से कि वहां पर मेरी फोटो खींच ली गई है और मेरी फोटो जो है जहाँ वो नियंत्रण केंद्र है वहां तक मेरी फोटो पहुंचा दी गई है और वहां से खतरे की घंटी भी आ गई है। तो इन सारी बातों से जो है छोटू क्या था, अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तो उसे कुछ नहीं पता था और वो धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए और इतने में जो है छोटू आगे ही बढ़ रहा था कि वहां पर जो है सिपाही क्या होने लगे, कहाँ से आ गए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ा, और छोटू को पकड़कर उन्होंने वापस घर में छोड़ दिया। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि घर पे छोटू नहीं दिखा तो माँ जो है उसका इंतजार कर रही थी कि कहाँ गया छोटू। बस अब छोटू की खैरियत न, क्योंकि अब वहां पर सिपाही उसको लेके आए थे, तो अब जो है छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, यानी कि आज उसकी बहुत पिटाई होने वाली थी। लेकिन घर पर उसके पापा थे, तो आगे क्या होता है छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। तो छोटू के पापा क्या कहते हैं कि छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको पिटने की कोशिश की तो पापा ने क्या कहकर उसे बचा लिया कि छोड़ो भी, मैं इसे समझा लूंगा, तब फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को यहाँ पर बचा। छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ, अब पापा जो है छोटू को समझा रहे हैं कि छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। तो अब जो है छोटू के पापा छोटू को बता रहे हैं कि हम कहाँ हैं और कहाँ वो काम करते हैं, कि क्योंकि छोटू के मन में, यदि छोटू के पापा उसको पहले ही ये चीजें बता देते तो शायद वो वहां ना जाता। तो अब जो है वो उसको पूरा बता रहे हैं कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता है, क्योंकि ये मंगल ग्रह की बात है। तो वहां पर छोटू के पापा क्या कह रहे हैं कि हम जो आम आदमी हैं वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाने की कुछ चुनिंदा लोगों को ही वहां पर परमिशन थी और कुछ वहां पर उनको सिक्योरिटी जो है कार्ड दिया हुआ था ताकि वो आ और जा सके, ठीक है ना। तो अब उसके पापा उसको समझा रहे हैं कि जो हम आम आदमी हैं वो वहां पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता, क्योंकि वो वहां पर जी ही नहीं सकता, अगर वो वहां जाएगा तो मर जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप कैसे जाते हो वहां। अब छोटू का सवाल लाजिमी था, यानी कि उसका बोलना बिल्कुल सही था कि अगर आप कह रहे हो कि आम आदमी वहां नहीं जा सकता है और वहां पर वो मर जाएगा, तो फिर आप भी तो एक आम आदमी हो, आप कैसे वहां पर जाते हो। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। अब इस पर जो है छोटू के पापा क्या कह रहे हैं कि मैं वहां पर कैसे जाता हूँ, एक खास किस्म की मुझे यहाँ पर सूट दिया जाता है जिसको पहनकर मैं वहां पर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे जो है ऑक्सीजन मिलता है। तो आगे जो है उसके पापा क्या कह रहे हैं कि इस स्पेस सूट में जो है एक प्रकार से ऑक्सीजन का ऐसा सिस्टम बनाया गया है ताकि उनको वहां पर ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है ना, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो आगे छोटू के पापा क्या कहते हैं कि इसी स्पेस सूट की वजह से जो है मैं अपने आप को यहाँ पर उस ठंड से जो है बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, यानी कि आप देखो मेरे पास क्या है, एक छोटा इस प्रकार से खास किस्म का सूट भी है और खास किस्म के जूते भी हैं, जिस वजह से मैं जमीन पर चल सकता हूँ। ऊपर जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक प्रकार का जो है प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वो छोटों के पापा क्या कहते हैं कि ऊपर, क्योंकि हम धरती के नीचे हैं, हमारी जो कॉलोनी है वो धरती के नीचे बसी हुई है, हम जो है जो आम आदमी है वो धरती पर नहीं जा सकता है और धरती पर हम जी नहीं सकते हैं। और मैं जब इसके प्रश्न पूछा छोटू ने कि आप कैसे जाते हो, तो क्या कहते हैं कि मुझे एक, मेरे पास एक छोटा स्पेशल जो है क्या होता है, सूट होता है जिसमें हम ऑक्सीजन पास होती है और ऑक्सीजन मुझे मिलता है,
जूते भी मुझे एक अलग प्रकार के दिए जाते हैं जिनको मैं पहन करके वहां पर जाता हूँ, और जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते हैं, और आगे जो है छोटू के पापा छोटू को बताते हैं कि हाँ एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह पर, क्योंकि यहाँ पर बात कहाँ की हो रही है, मंगल ग्रह की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, मंगल ग्रह की धरती के नीचे जो है यानी कि जमीन के नीचे एक कॉलोनी है जहाँ पर एक बच्चा है छोटा सा छोटू जो कि एक सुरंग नुमा रास्ता से बाहर आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि छोटू सुन रहा था कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे बगैर किसी यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, अब छोटू के पापा बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी धरती के ऊपर रहा करते थे, उस समय जो है तरह तरह के जीव जंतु भी थे और हमारे जो पूर्वज थे वो हम भी सभी धरती पर रहते, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और कई तरह के जो जीव जंतु हैं वो धरती पर मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ यानी कि परिवर्तन का कारण क्या है, जड़ का मतलब यहाँ पर कारण से है, ठीक है ना। इस परिवर्तन या परिवर्तन का कारण क्या है, सूरज था यानी कि सूरज के तापमान में वृद्धि और कमी ही इस परिवर्तन का क्या है कारण है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो आगे जो है छोटू के पापा क्या कह रहे हैं, सूरज में प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु अक्षम साबित हुए हैं। केवल हमारे पूर्वज ने ही इस स्थिति का सामना किया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो है जो आपके सूरज वैसे तो हमें क्या देता है, रोशनी भी देता है, ऊष्मा भी देता है, ठीक है ना। जीवों का पोषण ही सूरज से होता है, लेकिन सूरज में जन्म हुआ यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ गया था और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी जो है, पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु अक्षम साबित हुए, यानी कि वो इसे सहन नहीं कर पाए, इसको वो क्या नहीं कर पाए, इसको वो अपने अनुकूल नहीं कर पाए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, और किस प्रकार से उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर। देखो अब पहले वो जमीन पर रहा करते थे मंगल ग्रह के लोग, यहाँ पर जिस मंगल ग्रह की हम बात भी करते हैं, अब वो बता रहे हैं कि अब जो है हम धरती के नीचे, देखो सूरज के तापमान में जब परिवर्तन हुआ तो पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो है इसका सामना नहीं कर पाए, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने इसका सामना किया, वो भी किस प्रकार से, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर। कैसे उन्होंने इसका सामना किया, हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, क्योंकि जमीन के ऊपर जो है रहना उनके बस की नहीं थी। वहां पर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे भी थे उन सभी का तापमान बिगड़ गया, उनका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और सभी जो है नष्ट हो गए हैं। हमने क्या किया, हमारे जो पूर्वज थे हमने यहाँ पर जमीन के नीचे घर बना लिया और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, देखिए जमीन के नीचे रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों में क्या थी, तकनीकी ज्ञान उनको था और सूरज जमीन के ऊपर जो हमने क्या लगाए हैं विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं, क्योंकि जमीन के नीचे जीना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर छोटू के पापा क्या बता रहे हैं छोटू को कि हमने, देखो सूरज हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ा, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के बाद जो है पेड़ पौधे और जो भी पशु पक्षी थे वो तो नष्ट हो गए, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास तकनीकी ज्ञान था, हमने क्या किया, जमीन के नीचे ही अपने लिए घर बनाए और वहीं हम रहने लगे। और जमीन से कुछ हमने ऐसे यंत्र लगा रखे हैं जिससे हमें सूर्य शक्ति, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो ऊर्जा है और गर्मी है, इन सभी का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो
ये है। तो आगे देखिए, यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे। अब जिन यंत्रों से हमें सूर्य की, जो क्योंकि वो धरती के नीचे रहते हैं मंगल ग्रह के लोग यहाँ पर, तो वो क्या कह रहे हैं छोटू के पापा कि वो यंत्र, क्योंकि यंत्रों के माध्यम से वो सूरज की जो गर्मी है, रोशनी है, और जो भी वहां पर सूरज से हमें क्या मिलता है, रोशनी और गर्मी मिलती है, और सूरज की जो रोशनी है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि यंत्र जो है कभी भी खराब हो सकते हैं। ठीक है ना, टेक्निकल जो चीजें होती हैं वो खराब भी हो जाती हैं, तो उनकी देखभाल के लिए जो है उनको क्या करनी पड़ती है, बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, यानी कि छोटू के पापा उन यंत्रों की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति थे, जिनमें और भी व्यक्ति यहाँ पर थे। ठीक है ना, तो आगे जो है छोटू क्या कह रहा है, छोटू आगे कहता है कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी काम करूंगा। तो इस पर छोटू बोलता है कि पापा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी इस पर काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, यानी कि अपने मन की इच्छा उसने जाहिर की, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। अब इस पर उसकी माँ क्या बोलती है कि बिल्कुल, क्योंकि वहां पर पापा जो है छोटू को समझा रहे हैं, तो इस पर छोटू क्या, उसकी माँ क्या बोल रही है कि बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे आप इसको रीड कीजिए बेटा। चलिए, तो यहाँ पर जो है छोटू क्या अपनी मनसा क्या जाहिर कर रहा है कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। तो माँ क्या कहती है, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और माँ और पापा का जो है कहना मानना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। यदि आज जो है वो माँ बाप की कहना मानता तो उसको अपनी, इसकी जान जो है खतरे में चली जाती, क्योंकि वो धरती पर चला जाता और वहां उसका जो संतुलन है, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो धरती के टेम्परेचर से, वो वातावरण से वो मैच नहीं कर पाता। तो दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म होकर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ क्या किया, इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है और कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरह बढ़ता चला आ रहा है। तो जैसे ही दूसरे दिन छोटू के पापा अपनी शिफ्ट खत्म करके, देखो उसमें शिफ्ट में वो काम करते थे, जैसे सुबह की शिफ्ट में सुबह 8 से 12 आप लोग भी जाते हैं, आपके मम्मी पापा भी जाते होंगे, तो वो शिफ्ट अपना जो है ड्यूटी खत्म करके वो घर ही आ रहे थे, तो वो क्या देखते हैं, तो कंट्रोल रूम का जो वातावरण था वो बदला बदला सा था, यानी कि वहां पर कुछ परेशानी का माहौल बन गया था। तो शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ जो है उनको इशारा किया। जो वहां पे स्टाफ के प्रमुख थे उन्होंने छोटू के पापा को टीवी की स्क्रीन की तरफ दिखाया, तो जब उन्होंने दिखाया कि टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, एक बिंदु यानी कि एक छोटा सा उनको डॉट दिखाई दे रहा था, वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है। तो जो वहां पर जो प्रमुख थे उन्होंने छोटू के पापा को बताया कि अगर ये तारा होता तो ये अपनी जगह पर अडिग होता। तो उन्होंने बोला कि ये जो है आसमान में क्या कर रहा है, कुछ हिल डुल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है, यानी कि वो वहां से क्या हो रहा है, चलता आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है और कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ चला रहा है। तो यहाँ पर जो वहाँ के प्रमुख हैं वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हमें कंप्यूटर पर डॉट दिख रहे हैं और ये जो है तारा तो नहीं है, क्योंकि तारा एक जगह पर फिक्स रहेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है हमारी धरती की तरफ, दूसरे ग्रहों से हमारे यहाँ पर, जिसको हम एलियन कहते हैं ना, तो हम जब हमारी धरती से यहाँ से कोई हम वहां पर विमान भेजते हैं तो हमें भी क्या होता है कि वही धरती पर कुछ वैसे एलियन वगैरह ने क्या कर दिया है, वहां पर कुछ विमान भेज दिया है। तो जैसे ही धरती से यहाँ से मंगल ग्रह पर हम लोग भी क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार के विमान भेजते हैं, तो वो भी जो है मंगल ग्रह की तरफ आ रहा था। और वहां के जो स्टाफ के जो प्रमुख थे उन्होंने छोटू के पापा को बताया कि कुछ खतरा है यहाँ,
पर हमारी धरती की तरफ कुछ जो है चला आ रहा है, ठीक है। और आगे की जो कहानी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।